हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। सो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस में और हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट। सो आप देखिए क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस यू ऑल नो पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं, लाइक एक नंबर ही लिख देते हैं 3/4 लाइक दिस, राइट। अब देखते हैं इसमें पहले क्या करना है आपको, राइट द फ्रैक्शंस। हर फिगर का फ्रैक्शन लिखना है आपको, आर दे इक्वल इन फ्रैक्शन, फिर चेक करना है क्या वो इक्वल है। ओके जी, अब इसकी बात करते हैं। जैसे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या देता है आपको, एक होल के कितने पार्ट्स हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सो टोटल 16 पार्ट्स हैं। और शेडेड कितने हैं, देखिए ये हाफ थे, ये 8 है, ये 8 पार्ट आपके शेडेड है, 8/16। और अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म्स में, सो ये 2 से डिविजिबल है, 8 से भी हो जाएगा डायरेक्ट डिविजिबल आपका, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। सो फ्रैक्शन आ गया आपका 1/2, जो फाइनल फ्रैक्शन है। इधर बात करते हैं, ये देखिए इधर इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, और शेडेड कितने हैं आपके, 2, 2/4। और अगर मैं इनको देखूं, डिवाइड करूं 2 से, सो ये आ गया आपका फ्रैक्शन 1/2, राइट। अच्छा, अब इन दोनों की बात करूं जो फाइनल आए हैं, तो इसके हिसाब से तो इक्वल है, बोथ दीज फिगर्स आर इक्वल इन फ्रैक्शन, जबकि पार्ट्स इसके सिर्फ 2 ही शेडेड थे और इसके 8 पार्ट शेडेड थे आउट ऑफ 16, और इसके 2 out of 4, राइट। तो इधर देखिए अब ये इक्वल है, बट अगर मैं ओरिजिनल बात करता 8/16 था, 2/4 था, तब ये इक्वल नहीं थे। तो अगर आपको शो करना है कि द फ्रैक्शंस आर इन इक्वल, सो आपको क्या चेक करना पड़ता है, पहले आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिजॉल्व करके फाइनल, जहां पे इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना रहे, जैसे 1, 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, राइट। सो उस केस के बाद जाके आप चेक करते हो कि ये इक्वल है कि नहीं है, राइट। अब जैसे ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, अपने थर्ड फ्रैक्शन की, इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये भी इक्वल है उनके। इसमें देखिए टोटल पार्ट्स आपके कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स, और शेडेड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4/6। चलो अभी तो हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी नहीं कर पा रहे थे हम जज, बट अब इसको रिजॉल्व करके देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। और सो 2, 2 = 4, 2, 3 = 6, तो ये कितना आ गया आपका, 2/3। सो ये इक्वल है, नहीं है, ये दोनों इक्वल थे, बट ये 2/3 इन दोनों के ही इक्वल नहीं है, राइट। सो पूछ रहे आर दे इक्वल इन फ्रैक्शन, सो नो, क्योंकि ये कंबाइंड तीनों की बात कर रहे हैं, तो तीनों नहीं है। अगर सिर्फ 2 होते तो वो इक्वल होते फ्रैक्शन में। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब देखते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20 एंड न्यूमरेटर 27। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज द सेम थिंग एज लाइक द योर ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यूज थोड़ी बढ़ जाती हैं, बट जब आप उसको फाइनली सॉर्ट आउट करोगे ना, सॉर्ट आउट इन द सेंस उनको फिर रिड्यूस करोगे लोएस्ट फॉर्म में, सेम फैक्टर से अगर आप उनको कट करते हो, तो उस केस में आपका सेम आंसर आ जाता है, इसलिए उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करते हैं, आपके पास है 3/5, आपको क्या चाहिए, अब डिनोमिनेटर 20 बनाना। देखो अब जैसे हम डिनोमिनेटर 20 बनाएंगे ना, ये पूरा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर 20 कैसे बनेगा, 5 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बढ़ाना है ना आपने। अच्छा, अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप सीधा लिखो 3/20, भाई ये कैसे हो गया, 5 था 20 कैसे हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। अब इस केस में देखिए, अब ऊपर भी चेंज हो जाएगा, नीचे भी चेंज हो जाएगा, और चेंज इस हिसाब से करना है जो ओरिजिनल वैल्यू है वो एज इट इज रहे। अब अगर मैं इसको दोबारा से रिड्यूस करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो जाएगा, अलग से करके दिखा देता हूँ, 12/20 है आपके पास, आप रिड्यूस कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 × 3 = 4, 5 आ गया सेम, राइट। सो ऐसे करके जो ये फ्रैक्शंस बनते हैं, जैसे 12/20 है, ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनते हैं। ओके, डिनोमिनेटर एज पर रिक्वायरमेंट चेंज हो गया और फ्रैक्शन टोटली चेंज हो गया, तो आपका 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बना, 12/20। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब हमें कितना चाहिए डिनोमिनेटर, अब न्यूमिनेटर चाहिए, हमें न्यूमिनेटर चाहिए 3/5 है आपके पास, 27 चाहिए, ठीक है जी। 27 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 9। अब ऊपर किया है तो नीचे भी करोगे आप, तो 3 × 9 = 27 और 5 × 9 = 45। सो एज पर रिक्वायरमेंट आ गया आपका 27 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि आपने न्यूमरेटर में चेंज किया है, तो अब फ्रैक्शन भी आपका चेंज हो गया।
थ्री बाय फाइव का इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया 27/45। ओके सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, अब जिसकी मैं बात कर रहा था अभी रिड्यूस करने की, रिड्यूस करके मेन टर्म पे आना, उस टर्म तक आना जहां उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना रहे। सो रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म। पहले हम बात करते हैं इसकी 48/60 की, 2 से भी कर सकते हैं आप, अगर आपको उससे हायर कोई फैक्टर पता है आप उससे भी कर सकते हैं। मैं जैसे डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं 4 से। सो 4 1 4 4 2 8, यहां बात करते हैं 15 4 15 60, राइट। और देखिए कटता है अगर तो 3 से कटेंगे, 3 4 3 5। सो लास्ट मेरे पास बचा है 4/5, क्योंकि आप काट के देख लीजिए 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, राइट। तो उसकी तो बात नहीं करते हम। तो 48/60 की लोएस्ट फॉर्म क्या है आपकी 4/5, राइट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं 150/60। इसको हम स्टार्ट देखो कैसे करेंगे, ये पहले तो सबसे पहले आप ये लास्ट वाली जीरोस काट दो, राइट। काट सकते हो आप, 10 10 है ना, 10 ऊपर 10 नीचे कट गया। अब आपके पास बचा 15/6, 3 से बात करते हैं 3 5 3 2, सो दिस इज 5/2, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, करके देख लीजिए, ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही है, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं 84/98। ओके जी, अब देखते हैं 4 से ये डिवाइड नहीं होगा शायद, अब हम पहले 2 से ही करेंगे बात, अभी पता लग जाएगा होगा कि नहीं। सो 2 4 8 2 2 4, यहाँ बात करते हैं 2 4 8 18 हो गया, शुक्र है नहीं किया है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है हमारी। अब देखिए ये 7 से डिविजिबल है, 7 6 7 7, तो मेरे पास क्या आया लास्ट 7, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म, राइट। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, मे बी दे कैन बी इक्वल, अभी बात की ना हमने, दिखते अलग अलग है लेकिन होते इक्वल है, तो इस केस में चेक करना है। अच्छा, एक केस ये है आपके पास जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे ही एक केस आता है लाइक मैं अगर लिखूं 3/5 और 3/6, एक केस जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, एक केस जिसमें न्यूमिनेटर सेम है, इन दोनों को इजीली कर सकते हैं। बट ऐसे केसेस, अच्छा ये भी सेम है, ऐसे केसेस जिनमें अलग हो, अच्छा यहाँ पे हमारे पास वो केस ही नहीं, सेम ही केस पड़े, तो इन केसेस में क्या करते हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ पहले वालों की जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर आपका सेम, तो इस केस में क्या करते होते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमिनेटर देखना है, जो बड़ा उसकी तरफ को साइन आ जाएगा, क्लियर। इस केस में भी ऐसे ही होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में जो बड़ा है उसकी तरफ साइन आ जाएगा, ग्रेटर का साइन, ये लेस है तो इसके लिए लेस देन का साइन पड़ गया। यहां बात करें, अब ये थोड़ा इससे अलग है केस, वहां आपके न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। न्यूमिनेटर वाले में तो हमने बता दिया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर चेक करना है, जो बड़ा है वो फ्रैक्शन टोटल बड़ा है, यहां उल्टा होता है, अगर न्यूमिनेटर आपके सेम है डिनोमिनेटर छोटे बड़े हैं तो उस केस में जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, रिवर्स केस होगा इस केस में, तो अब इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक और मेथड है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं बता देता हूं आपको, सिंपल है, 6 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, चेक कीजिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 18 और उधर आ रहा है 30, कौन बड़ा है, 30 हो गया ये फ्रैक्शन बड़ा, इसमें बात कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 5, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 5, ये क्या हो रहा है 20, 30, ऑब्वियसली 30 इज ग्रेटर, यहाँ बात करते हैं क्या ये यहाँ पे भी वैलिड है, मल्टीप्लाई 7 कर दो, मल्टीप्लाई 5 कर दो, इधर आ रहा है आपके पास 21, उधर आ रहा है 15, सी राइट। तो आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो, राइट, आपको बस बीच में सिंबल्स ही तो डालने हैं, बट सिंबल्स ठीक होने चाहिए, तो वो आप दोनों में से कोई भी मेथड देख सकते हो। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की, थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम की, देखिए जरा, रमेश एट 3/4 पार्ट ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल था उसने उसका 3/4 पार्ट रमेश ने खा लिया, वाइल नीतू एट 2/3 पार्ट ऑफ द सेम एप्पल,
और नीतू ने उसी एप्पल का 2/3 पार्ट खाया। सो आप पूछ रहे हो हु एट मोर पार्ट्स ऑफ एन एप्पल। अब देखते हैं, कंपेयर करेंगे। पहले हम, ये हमारे पास 3/4, ये हमारे पास 2/3। अच्छा, ये सेम फ्रैक्शंस है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये इक्वलेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म्स है तो ये इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना है ऐसे केसेस में, देखिए डिनोमिनेटर भी अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है, डायरेक्ट बता नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, राइट। सो देखिए, अब ये 4 है, ये 3 है, दोनों अलग हैं, तो क्या करते होते हैं, एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का। सो बात करें पहले, 3 1 3, ये 4 एज इट इज रहेगा आपका 1 1। सो आपका एलसीएम कितना आया, 3 × 4 दैट इज 12। मतलब क्या है इसका, कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को आप 12 बनाओ, ठीक है जी। अब इसको बनाते हैं 12, तो ये कैसे बनेगा, बाय 3 मल्टीप्लाई करोगे, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और इसमें क्योंकि नीचे 3 था तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या बना आपका, 3 × 3 = 9/12, और ये कितना बना आपका, 8/12। अब हम ऐसा करते हैं, इसके बीच से कॉमा हटा देते हैं, और जो हमें साइन चाहिए कि हु एट मोर पार्ट ऑफ एन एप्पल। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम, तो ज्यादा किसने खाया, रमेश जी ने ज्यादा पार्ट खा लिया एप्पल का, ठीक है जी। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 20 पास्ड इन फर्स्ट क्लास। सबसे पहली बात तो यहां पे फ्रैक्शन नहीं गिवन है आपके पास, तो हम फ्रैक्शन बनाएंगे। टोटल स्टूडेंट्स हैं 25 और उसमें से फर्स्ट क्लास में पास है 20, और दूसरी क्लास है आपकी बी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 24 पास्ड इन फर्स्ट क्लास। सो आउट ऑफ 30 आपके 24 स्टूडेंट्स पास्ड हुए। ओके, इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास। आपको कंपेयर करने हैं, क्या इन दोनों में से कोई ज्यादा ले रहा है, इक्वल है, लेस है, वट एवर दैट इज, ठीक है, वो हम चेक करेंगे इसके बाद। अच्छा, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बात की थी, कि भाई हमारे पास जो स्टार्टिंग फैक्टर्स थे ना, फ्रैक्शन बन रहा था, वो पहले ही रिजॉल्व फॉर्म में थे, लेस में, रिड्यूस्ड फॉर्म में थे, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनमें से कुछ कॉमन है, तो पहले चेक करते हैं इसको रिड्यूस करने की। रिड्यूस करेंगे, अगर उसमें कुछ कॉमन, मतलब सेम फ्रैक्शन ना आए, या कंपेयर ना कर पाए हम, डिनोमिनेटर सेम ना आए, तो फिर हम उसको फिर से मल्टीप्लाई करके फिर चेक कर लेंगे। अभी भी डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है, तो ओके जी, पहले रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ये 5 से कट जाएंगे आपके, 5 4s are 20, 5 5s are, तो ये फ्रैक्शन बना आपका 4/5। और इधर बात करते हैं, ये 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 4s are 6 5s are, ये भी आपका बन गया 4/5। तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं, दे आर इक्वल इन फ्रैक्शन। हमें कंपेयर करना था, ग्रेटर किसी में भी नहीं था दोनों में, दोनों में सेम नंबर ऑफ, सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए, ठीक है जी। सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हुई, जिसमें हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।